नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया भाजपा कार्यकर्ता द्वारा रिश्वतखोरी के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में आकर कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही को लेकर शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 10 निवासी शिकायतकर्ता भाजपा नेता विक्रम प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे भाई की बोलेरो वाहन है, जिसके संबंध में श्रेणी परिवर्तन को लेकर मैं RTO कार्यालय आवेदन देने के लिए गया था, लेकिन वहां पर मुझसे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, जिसके संबंध में कार्यवाही को लेकर कलेक्टर उमरिया के समक्ष शिकायत की गई है। वही इस पूरे मामले में RTO विभाग में प्रदस्त राजेंद्र राय ने बताया कि हमारे कार्यालय में नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता एवं जो भी शिकायत की गई है वो निराधार है। वही अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच की जाएगी। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। प्रार्थी राजेंद्र राय, मतलब यहाँ बड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ जो भी है वो नियम और कायदे कानून से चलता है। हमारा किसी प्रकार से किसी का भी कोई लेन देन नहीं है, ना किसी प्रकार से पैसा वसूला जाता है, ना पैसा मांगा जाता है। जो भी लोगों ने शिकायत की है वो गलत की है, उसको पंजीबद्ध दस्तीबद्ध करने की कृपा करें। देखिए, मैं एक RTO विभाग भी एक ऐसा विभाग है जहाँ पे खुलेआम कई दिनों से सुनने में आता रहता है कि वहाँ के एजेंटों की या जो दलाल हैं उनके माध्यम से वहाँ के परिवहन अधिकारी रिश्वत लेते हैं। तो अभी जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई कि एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके गाड़ी को लेकर उनसे भी रिश्वत की मांग की गई है, तो ऐसी व्यक्तियों की हम रक्षा करते हैं, निंदा करते हैं, और ऐसे अगर कोई कार्य किए जाते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। और विगत एक माह पूर्व मैंने जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष अपने वाहन को श्रेणी परिवर्तन करवाने की उसमें एक आवेदन दिया था। आज एक माह हो गए, ना तो उसमें किसी भी प्रकार की उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी गई है। चलिए, प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, उसके एवज में मुझसे श्रेणी परिवर्तन करवाने के एवज में 5,000 रुपये की मांग जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा मुझसे की गई। उस संबंध में एक शिकायत पत्र आज मैं जिलाधीश महोदय को प्रेषित किया हूँ। पास उमरिया और बालाघाट का प्रभार है, ज्यादातर वह बालाघाट में ही रहते हैं, गिने चुने दिनों के लिए वह उमरिया आते हैं, और लगभग उनका पूरा काम उनके सक्रिय दलालों के द्वारा RTO कार्यालय से चल रहा है। कार्यालय के माध्यम से ये शिकायत RTO की प्राप्त हुई है, तो RTO यहाँ रहते नहीं है और वहाँ जो भी काम चल रहा है वो जरूरत नहीं चल रहा है। इस संबंध में जांच की जाएगी और जांच करने के लिए राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों ने ही ये नियम बनाया है कि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कोई यदि शासकीय कर्मचारी लेता है तो इसकी शिकायत कोई भी व्यक्ति जो है एंटी करप्शन ब्यूरो, जिला प्रशासन और अपने सक्षम अधिकारियों को वो दे सकता है। निश्चित रूप से सबके लिए एक सिटीजन चार्टर बनाया गया है, समय सीमा में उस कार्य को करना चाहिए। कोई भी यदि शासकीय सेवा इस प्रकार शासकीय सेवक यदि कोई घूस लेता है, रिश्वत लेता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये रिश्वत का मामला आया है। ना है कि कोई भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो है वह पुलिस थाने में, एंटी करप्शन ब्यूरो में और उच्च अधिकारियों को उसको शिकायत करनी चाहिए, ताकि इस पे रोकथाम लग सके। यह भी पाया गया है कि व्यक्ति जो होता है किसी रंजिशवश या किसी को फंसाने की नियत से वो शिकायत कर लेता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस पे जो भी जांचकर्ता अधिकारी है उसको हर पहलू पे जांच करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिसके विरुद्ध में शिकायत की जा रही है वह केवल उसको फंसाने की दृष्टिकोण से हो। लेन देन का जो इस प्रकार का मामला है या जो रिश्वत तथा कथित कही जा रही है वह कहीं ऐसा हो, कोई लेन देन उनका आपसी हो और उसके तहत उसको कहा जा रहा हो, रिश्वत खोरी का नाम दिया जा रहा हो, इस पे चाहिए इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और निष्पक्ष जांच करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई के अंतिम बिंदु पर आना चाहिए।